Hi, students. Today we are going to see one more question. 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next, and so on in a timber factory by the crane. कहने का मतलब ये है कि 200 लकड़ी के टुकड़े हैं, आप देख सकते हैं राउंड शेप में है, इनको एक तरीके से अरेंज किया गया है। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, सबसे नीचे जो आप रो देख रहे हैं वहां पर 20 लकड़ियां हैं, फिर उसके ऊपर वाले रो में 19 लकड़ियां हैं, फिर उसके और ऊपर वाले रो में 18 लकड़ियां हैं, एंड सो ऑन, मतलब 20, 19, 18, फिर उसके ऊपर 17, फिर उसके ऊपर 16, फिर उसके ऊपर 15, फिर उसके ऊपर 14, एंड सो ऑन। हमको निकालना है, कुछ चार क्वेश्चंस हमको सॉल्व करना है इसमें। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ लॉग्स इन द सिक्स्थ रो। तो ये एक क्वेश्चन एपी का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। इसमें आप देख सकते हैं कि 20 लॉग्स जो हैं वो पहले में हैं, दूसरे में 19 है, तीसरे में 18 है। सो ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और इनके बीच में जो डिफरेंस है लॉग्स का वो एक का डिफरेंस है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। और तो शुरू करते हैं। इसमें पहला लॉग जो है उसमें हमारे पास 20, फर्स्ट रो में अगर हम फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट ये इसमें 20 है, दूसरे में 19 है, तीसरे में 18 है। तो अगर हम इसको एज ए फर्स्ट टर्म एज्यूम करते हैं, इसको सेकंड टर्म एज्यूम करते हैं, इसको थर्ड टर्म एज्यूम करते हैं, तो फर्स्ट टर्म में टोटल 20 लॉग्स होंगे। तो दैट्स वाई ए इज इक्वल्स टू 20। आप यू कह सकते हैं ए वन इज 20 और ए टू उसके बाद वाले लॉग में 19 है। आप यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, ए टू माइनस ए वन, ए टू इज 19, ए वन इज 20, सो यू विल गेट कॉमन डिफरेंस एज -1। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है हमको, फाइंड द नंबर ऑफ लॉग्स इन सिक्स्थ रो। तो तीन रो हो गया, चार पांच छः, सिक्स्थ रो में हमारे पास कितने लकड़ियां होंगी। फाइंड द नंबर ऑफ लॉग्स इन सिक्स्थ रो। तो फर्स्ट रो में 20 है, सेकंड रो में 19 है, थर्ड रो में 18 है, फोर्थ रो में 17 आ जाएगा, फिफ्थ रो में 16 आ जाएगा, और सिक्स्थ रो में 15 आ जाएगा। खैर हम इसको निकाल सकते हैं। पहला हमको एक्चुअली निकालना है सिक्स्थ रो, मतलब ए सिक्स, नंबर ऑफ लॉग्स ऑफ वुड इन सिक्स्थ रो। सो ए सिक्स हो जाएगा ए प्लस 5D। ए की वैल्यू हमको मालूम है 20 प्लस 5, डी की वैल्यू है -1, 20 प्लस इंटू माइनस माइनस 5, 20 माइनस 5 इज 15। तो देयरफॉर नंबर ऑफ लॉग्स इन सिक्स रो इज 15। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, हाउ मेनी रोज आर देयर इन विच 200 लॉग्स कैन बी प्लेस्ड।
मतलब ऐसे कितने रोज बनेंगे, किस कितने टर्म्स आप बोल सकते होंगे जिस जिसमें ये सारे 200 लॉग्स को हम अरेंज कर सकें। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लॉग्स जो है वो 200 है ना। और इन 200 लॉग्स को, 200 लकड़ी के टुकड़ों को हम जब अरेंज करेंगे तो ऐसे कितने रोज बनेंगे, मोटे मोटे भाषा में कैसे कितने नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे। तो टोटल लॉग्स हमको मालूम है SN इज 200। ओके, SN का फॉर्मूला हमको मालूम है N/2, 2a+ N-1 इंटू डी इज इक्वल टू 200। नंबर ऑफ रोज नहीं मालूम है तो N/2 ही रहेगा वो। ए की वैल्यू 20 है, फर्स्ट रो में 20 लॉग्स हैं, और N-1, डी हम निकाल चुके हैं, -1 इज इक्वल टू 200। N/2 22 40 प्लस, ये आप जब एन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 + 1 आ जाएगा, और ब्रैकेट को -1 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 200। ये 2 को आप वहाँ भेज सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 - n + 1। 2 को हम वहाँ भेज रहे हैं तो ये हो जाएगा 200 × 2। पेन को 40 + 1 ये हो जाएगा 41 - n इज इक्वल टू 400। और आगे हम करेंगे तो ये हो जाएगा 41 n - n² इज इक्वल टू 400। तो -n² + 41 n - 400 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लो, n² - 41n + 400 इक्वल टू 0। और माइनस को वहां भेज दीजिए तो भी 0 हो जाएगा। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आइदर बाय स्प्रेडिंग द टर्म्स हम सॉल्व कर सकते हैं, आइदर वी कैन यूज फार्मूला मेथड। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन इक्वेशन है हमारे पास n² - 41n + 400 = 0। रूल क्या कहता है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 400n². आपको इसको स्प्लिट करना है इन सच ए वे दैट मल्टीप्लीकेशन जो है वो 400n² आना चाहिए, प्लस या माइनस करेंगे तो मिडिल टर्म दैट इज -41n आना चाहिए। तो उसका आसान तरीका क्या है कि आप इसको फैक्टर निकाल लो, 400 का फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 100 ज़ा 2 100 ज़ा 2 50 ज़ा 2 25 ज़ा 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। तो यहाँ हमको फैक्टर मिल गया है 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 1। अब देखिए ये होता है हमारा 16, ये होता है 25, और -16 - 25 जो होता है -41 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -16n और -25n, तो हम यहाँ लिख देंगे इसको।
एन स्क्वायर माइनस 16 n माइनस 25 n प्लस 400 इक्वल टू 0। एन कॉमन ले लो, एन माइनस 16 आ जाएगा, माइनस 25 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर भी एन माइनस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एन माइनस 16 कॉमन ले लीजिए, एन माइनस 25 आ जाएगा इक्वल टू 0। एन इक्वल टू 16, एन इक्वल टू 25, दो वैल्यूज आ गए। अब इसमें से दोनों में से एक सही है, हम खुद देख सकते हैं। मान लीजिए आप A16 निकालते हैं, तो आपको आता है A+15D। 16वें रो में कितने लॉग्स आएंगे? तो फर्स्ट टर्म 20 है और यहाँ पर -1, तो आपको ये मिल जाएगा 5। ये सही है। अगर हम 25वां रो लेते हैं तो आपको मिलता है 4, जो कि पॉसिबल नहीं। सो देयर आर नंबर ऑफ लॉग्स एट द टॉप कांट बी नेगेटिव, ठीक है। देयरफॉर एन इक्वल टू 16। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? फाइंड द डिफरेंस ऑफ लॉग्स इन टॉप मोस्ट रो एंड फर्स्ट रो। टॉप मोस्ट रो और फर्स्ट रो में जितने लॉग्स आए उसको माइनस करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। टॉप रो, टॉप मोस्ट रो A16 और फर्स्ट रो A1 है। A16 में कितने थे? 5, और ये हो गया 20। डिफरेंस निकालेंगे तो -15 आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिफरेंस ऑफ लॉग्स बिटवीन 14 एंड 10th रो। मतलब आपको निकालना है A14 माइनस A10, है कि नहीं? डिफरेंस ऑफ लॉग A14 माइनस A10। A14 इज A+13D, A10 मीन्स A+9D। तो A+13D माइनस A-9D, ए कट जाएगा, 13-9 आएगा 4D, और 4 × -1 दैट इज -4। इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व दिस वन। ओके, थैंक यू।